का मान सब बराबर नहीं, बराबर नहीं। अभी आइए सुभानहु ताला ने आज मुझे और आपको इस मुबारक सरजमीन पर जमा किया ताकि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले हालात में, आने वाले इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी से हमकनार कर सके। और ये वो पाक सरजमीन है जहाँ पर जिसने भी अपनी बात को वली अल्लाह के सामने रखा तो वली अल्लाह के आस्थानों से कोई खाली हाथ नहीं गया। और ये वो वली है जिनकी तारीख हिंदुस्तान बयान करती है कि आज यहाँ पर आने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान किया जाए। और मैं साबिक में आपके सामने बहुत सी बातें रखा हूं। मैं एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार के नाते, सदर मजलिस के हैसियत से, वाइस चेयरमैन की हैसियत से, आज 22 साल का अरसा गुजर गया, एक कारकुन की हैसियत से मैं काम कर लेते हुए आया हूं। और एक कारकुन की हैसियत से काम करते हुए आने के बाद आज यहां पर इस मुकाम पर अगर पहुंचा हूं तो सबसे पहले अल्लाह सुबहाना तला का फजलो करम है, बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं और मेरे सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरी शर असुद्दीन अवेजी साहब की कामयाब हिकमत अमली है और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवेजी साहब की कामयाब मशरों के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। पुलिस एक्शन के नाम पर निहत्ते मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू को लूटा गया, लहलाती फसलें तबाह बर्बाद हो गई। रात में महलात में थे, जब दिन निकला तो रोडों पर आ गए। एक वक्त वो भी था कि बड़ी बड़ी अंपाला कारें हुआ करती थी, दिन निकला तो हाथों में रिक्शा आ गया। क्या वजह है, जब हिंदुस्तान 1947 में आजाद होने के बाद 1957 तक पुलिस एक्शन के नाम पर ये जो नंगा नाच किया गया, जब आजाद हिंदुस्तान के अंदर 10 साल तक ये हालात चले, लोग शहर हैदराबाद को छोड़कर दूसरी तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। दक्कन का मुसलमान परेशान आलम में मुसीबतों का सामना करता हुआ कुछ शहर छोड़कर चला गए तो कुछ लोग मजबूरन अपनी जानों को दुश्मनों के हाथ से मरवाने के बजाय बोलियों में छलांग लगा दी। हमारी मां बहनें अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए बोलियों में छलांग लगा दी। और मौरखीन ने अपनी किताबों में लिखा कि कमोबेश पुलिस एक्शन के वक्त 1.5 लाख उलमा इकराम का कत्ले आम हुआ। तो ये क्या वजह थी, कि वजह ये थी कि दक्कन के मुसलमानों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनको अपनी सफे हस्ती से मिटाया जाए। तो उस वक्त एक गरजदार आवाज उठी, वो आवाज का नाम फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिदुद्दीन अवेसी अले रहमा था, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों, तुम रहा फरार की अख्तियार की जिंदगी मत गुजारो, तुम दक्कन से दूर जाने की जिंदगी मत गुजारो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी हर दिल अजीज जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और यही वजह है कि फखरे मिल्लत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए 1958 में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली। और 1958 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली गई तो उस वक्त की हुकूमतें
مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانے کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے قانون لایا گیا۔